डेफिनेट इंटीग्रल में क्या होगा ये समझिए, जैसे मैंने आपसे बोला 1 2 3 एक्स स्क्वायर डीएक्स, 1 2 3 एक्स स्क्वायर डीएक्स, तो हम एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर लेंगे, एक्स क्यूब बाई थ्री, लिमिट कहां से कहां तक ऐसे लिमिट लगा दो, एक्स क्यूब बाई थ्री और लिमिट लगा दी 1 2 3, आ गया समझ में, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई थ्री, अपर लिमिट, अब अपर लिमिट एक्स की जगह थ्री रख दिया, माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो थ्री का क्यूब कितना हो गया माइनस 1/3, तो 9 माइनस, तो 27 माइनस 1 कितना आ गया, ऐसे ये है भाई हमारी डेफिनेट इंटीग्रल, इसको बोलेंगे हम डेफिनेट इंटीग्रल। उधर का शटर भी लगा, ये हो गया भाई, तो इस तरह से डेफिनेट इंटीग्रल लगी हो भैया। नेक्स्ट फोर टू जीरो, फोर टू नाइन, 1/√xdx, फोर टू नाइन 1/√xdx, तो क्या बताया था 1/√x का, 2√x, तो 2√x 429, तो बोले बेटा लास्ट समझिए, टू रूट नाइन माइनस टू रूट फोर, रूट नाइन की वैल्यू थ्री और रूट फोर की वैल्यू टू, कितना आ गया टू। इस तरह से और देखो माइनस टू टू थ्री डीएक्स अपॉन एक्स प्लस सेवन, माइनस टू टू थ्री डीएक्स अपॉन एक्स प्लस सेवन, बोलो 1/(x+7) का, तो लॉग एक्स प्लस सेवन, लिमिट लग गया माइनस टू से थ्री, लॉग अपर लिमिट रखो, डायरेक्ट रखो, ऑनलाइन आप भी बोलो बेटा अपर लिमिट रखो सर, 10 10 माइनस लॉग माइनस टू रखो 5, तो लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए अपॉन, लॉग ए अपॉन बी, तो 10 अपॉन 5 कितना हो गया लॉग 2, तो वैल्यू आ गई लॉग 2, क्लियर। नेक्स्ट ए 0 to 1 3x² + 2x
कौन है देना? हेलो जीरो टू वन थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस के डी एक्स इक्वल टू जीरो पॉइंट के थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस के डी एक्स इक्वल टू जीरो तो हमें के का वैल्यू निकालना है। अब कैसे निकालेंगे? देखो इनडेफिनेट और डेफिनेट इंटीग्रल में ज्यादा अंतर नहीं होता लेकिन धीरे धीरे हम उसके आगे समझेंगे। इसमें क्या है, आपको गिवन है जीरो टू वन थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस के डी एक्स इक्वल टू जीरो। इंटीग्रेट करो एक्स एक्स क्यूब बाई थ्री। एक्स का इंटीग्रेशन के का इंटीग्रेशन के एक्स। लिमिट कहां से कहां तक लगानी है, किसके इक्वल गिवन है आपको जी? यहां तक कोई दिक्कत? ये अपन ले ये ऐसे लगाते हैं जीरो टू वन मतलब डेफिनेट इंटीग्रल, तो इसका इंटीग्रेट कर दिया और लिमिट लग गई जीरो टू वन। थ्री से थ्री क्या हो गया टू से टू, इसका मतलब हमारी लिमिट लगेगी एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स जीरो टू वन। लिमिट लगाओ वन, अपर लिमिट वन का क्यूब वन प्लस वन प्लस के, ये तो अपर लिमिट। माइनस लोअर लिमिट के टू प्लस के इक्वल टू जीरो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के? माइनस टू। के का वैल्यू क्या आ गया? माइनस टू। इस तरह से सो द वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू माइनस टू। लिखिए तो हम कैसे वैल्यू रख रहे हैं ये तो समझ में आ रहा है? ऑनलाइन यस सर। कैसे वैल्यू रख रहे हैं? पहले हम इंटीग्रेट कर रहे हैं और उसके बाद वैल्यू रख रहे हैं। Next, if 1 to a three x square plus 2x plus 1 dx equal to 11, find the real values of a. Find the real values of a. तो हमें एक ही रियल वैल्यूज निकालनी है। देन फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ ए। अब देखो कैसे करेंगे। वन टू ए
dx square plus 2x plus 1 dx equal to 11. 3x square का 3x cube by 3, 2x square upon 2 plus x equal to 11. इसे 3 cancel हो गया, 2 से 2 cancel हो गया. Upper limit a cube a square a. Lower limit 1 cube 1 1 1 equal to 11. तो यह आ गया a cube plus a square plus a minus 3 equal to 11. a cube plus a square plus a minus 14 equal to 0. इतना लिख लीजिए. a cube plus a square plus a minus 14 equal to 0. देखो यहाँ पर इसके फैक्टर्स करने पड़ेंगे. तो पहले a की वैल्यू रख रख के देखते हैं. 1 पे तो नहीं आ रहा, 2 पे देखो, 2 पे आ रहा. यस सर. x इक्वल टू 2 रखने पे 0 आ रहा, a इक्वल टू 2 रखने. तो इसके एक फैक्टर क्या हो गया, a प्लस क्या हो गया इसका एक फैक्टर, a इक्वल टू 2 रख, सॉरी a माइनस 2 का फैक्टर हो गया इसका एक फैक्टर, a बाई 2 रखने पे 0 आया ना, तो फैक्टर क्या होगा a माइनस 2. अब a माइनस 2 को इससे डिवाइड करो, तो मैं तुम्हें तरीका बताता हूँ. a को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, a क्यूब, या एक काम करो a क्यूब को a से डिवाइड करो, कितना आ रहा, और 14 को माइनस 14 को माइनस 2 से डिवाइड करो, प्लस 7. a क्यूब को a से डिवाइड किया तो a स्क्वायर, माइनस 14 को माइनस 2 से डिवाइड किया तो प्लस 7. अब देखो ये कितना हो गया, माइनस 2a स्क्वायर. वैसे तो a का वैल्यू 2 है, ये तो पक्का है, क्योंकि बाकी तो रियल वैल्यू नहीं आएगी, लेकिन आपको इसका फैक्टर लिखना है. तो ऐसा माइनस 2a स्क्वायर, जबकि चाहिए कितना, तो माइनस 2a स्क्वायर में क्या ऐड करूं कि a स्क्वायर आ जाए, 3a स्क्वायर. 3a स्क्वायर मतलब 3a, ये इसके फैक्टर हो, डिवाइड करो. या तो भाई यदि आपको इस तरह से नहीं आ रहा, मैं क्या बोल रहा हूँ, a माइनस 2 फैक्टर आ गया तुम्हारा, a क्यूब को a से डिवाइड करो, कितना आ रहा, a स्क्वायर. माइनस 14 को माइनस 2 से डिवाइड करो, क्या आ गया, अब बीच की टर्म बची बस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, चाहिए कितना मुझे, इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, मुझे 3a स्क्वायर को a से डिवाइड करके जाना. अब a इक्वल टू 2, इसके फैक्टर आपके रियल वैल्यूज नहीं है, ये इमेजिनरी वैल्यू आएगी, d निकाल के देख लो, 9 माइनस 28, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो a इक्वल टू 2, बाकी क्या आएगी, रियल वैल्यूज नहीं आएगी. तो व्हाट इज द रियल वैल्यू ऑफ a, तो इसका रियल वैल्यू ऑफ a 2a, ओनली a की वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई करेगी, वो है. Next, zero to pi by 4 sine 2x dx. बोलो साइन टू एक्स का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन बोलो माइनस कोस टू एक्स बाई टू, लिमिट कहां से कहां तक, यहां तक कोई दिक्कत, कोस टू साइन टू एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस टू एक्स बाई टू, और लिमिट हो गया जीरो टू पाई बाय माइनस वन बाई टू, तो बाहर आ गया कॉन्स्टेंट, माइनस वन बाई टू क्या हो गया, बाहर आ गया.
cos 2 into pi by 4 upper limit lago cos pi by 2 minus cos 0 भाई x की जगह pi by 4 रखो ये भूल जाओ ये तो मैं भाल ले चुका हूं cos 2 into pi by 4 कितना हो गया cos pi by 2 minus formula का cos 0 lower limit cos pi by 2 की वैल्यू 0 और cos 0 की वैल्यू 1 कितना वैल्यू आ गया सो द वैल्यू इज इक्वल टू इसका वैल्यू हाफ न्यू होगा वो नहीं तो cos इसकी वैल्यू हाफ आ ऐसे करेंगे भाई नेक्स्ट इसको हमें इंटीग्रेट करना है रूट एक्स अपॉन 30 माइनस एक्स की पावर 3 बाई 2 का होल स्क्वायर और लिमिट है 4 बाई अब देखो यहां पर एक नया कंसेप्ट आएगा वो चीज समझ में भाई ये तो पक्का है कि मुझे इसको टी मानना पड़ेगा सब्स्टिट्यूशन लेकिन डेफिनेट इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूशन कैसे करते हैं आपने इसको टी मान लिया इसको मैंने टी मान करो इसका डिफरेंस 30 का डिफरेंस 0 माइनस एक्स की पावर 3 बाई 2 का डिफरेंस 3 बाई 2 एक्स की पावर ये इसका डिफरेंस हो कैसे हुआ भाई 30 का डेरिवेटिव 0 पावर आगे और ऊपर एक पावर का तो मुझे क्या चाहिए x की पावर 1 बाई 2 मतलब रूट एक्स तो x की पावर 1 बाई 2 डी एक्स इक्वल टू माइनस 2 बाई 3 डी टी हुआ यहां तक अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट काम जब भी आप t मानेंगे लिमिट चेंज होगी जब भी आप कोई भी चीज को t मानेंगे तो लिमिट चेंज होगी कैसे लिमिट चेंज होगी व्हेन x इक्वल टू लोअर लिमिट क्या है तो t इक्वल टू ये रख दिया मैंने टी की जगह एक्स की जगह 4 4 क्या हो गया 2 का स्क्वायर 8 हो गया तो लोअर लिमिट कितनी आ गई भाई 22 फिर व्हेन एक्स इक्वल टू अपर लिमिट क्या है 9 की पावर कितना हो गया 27 3 का स्क्वायर कैंसिल हो गया 3 की पावर 3 27 तो लोअर लिमिट की अपर लिमिट कितनी आ गई इसका मतलब मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा उसको माइनस 2 बाई 3 और लोअर लिमिट 22 अपर लिमिट 3 डी टी अपॉन टी स्क्वायर क्या आएगा डी टी अपॉन टी स्क्वायर यहां तक कोई दिक्कत बोलो भाई 1 अपॉन टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस वन अपॉन टी माइनस वन अपॉन टी माइनस वन अपॉन टी लिमिट कहां से कहां था अब टी की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि लिमिट चेंज हो गई आप अब इसी वैल्यू को रखोगे तो माइनस टू बाई थ्री और माइनस कितना हो गया
वन अपॉन स्मॉलर टर्म और लोअर लिमिट अपर लिमिट माइनस इसको सोल्व कर लो, 3 × 22 माइनस 3 कितना हो गया 2 × 19 कितने से कैंसिल हुआ तो आंसर कितना आ गया 19/19। ये कंसेप्ट होता है जब हम किसी भी चीज को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो सब्स्टिट्यूट करने पर अपर लिमिट भी चेंज होगी और लोअर लिमिट भी चेंज होगी, ये चेंज करना जरूरी है। ठीक है, तो ये एक अच्छी प्रॉब्लम है, इसको ध्यान से देख लीजिए बेटा और लिखो इसको। बस डेफिनेट इंटीग्रल में आपको लिमिट चेंज करनी पड़ेगी। ऑनलाइन ये सबको समझ में आ गया कैसे हुआ? यस सर। यस सर। इंद्रिका yes, बोल हमने क्या करा उसको टी माना पहले, तो जैसे मानते आ रहे हैं अपन, टी मानने के बाद ये इसका डिफरेंशिएशन आ गया आपका एक्स की पावर 1/2 डीएक्स की वैल्यू आ गई आपकी, फिर उसके बाद ये लिमिट चेंज होगी, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। अपर लिमिट आपका लोअर लिमिट 22 आ गया, अपर लिमिट 3 आ गया, तो अपर लोअर लिमिट अपर लिमिट रख दिया बस। इसके बाद वापस से टी की वैल्यू यहाँ रखने की जरूरत नहीं होती, बस यहाँ डायरेक्ट सोल्व हो जाता है। वन टू टू एक्स अपॉन एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू क्या करना पड़ेगा इसको? पार्शियल फ्रैक्शन, बिल्कुल सही बोला, पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा इसको। लेट एक्स अपॉन एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू इक्वल टू ए अपॉन एक्स प्लस वन प्लस बी अपॉन एक्स प्लस टू। एलसीएम ले लीजिए, पुट एक्स इक्वल टू माइनस वन ए की वैल्यू माइनस वन आ गई, पुट एक्स इक्वल टू माइनस टू तो बी की वैल्यू टू आ गई, ए की वैल्यू माइनस वन बी की वैल्यू टू। ठीक है, इसका मतलब हम इसको ऐसे रख सकते हैं 1 to 2 माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन प्लस टू अपॉन एक्स प्लस dx पार्शियल फ्रैक्शन करके 1/(x+1) का इंटीग्रेशन log x plus माइनस का log x plus 1 प्लस 2 log x plus इंटीग्रेट कहां तक लिमिट 1 to 2 अपर लिमिट रखो, रखो इसमें अपर लिमिट
माइनस लॉग थ्री प्लस टू लॉग थ्री माइनस लोअर लिमिट रखो माइनस लॉग टू प्लस टू लॉग थ्री। अब ध्यान से देखना बेटा, कोई बताएगा टू लॉग फोर मतलब? लॉग फोर का स्क्वायर लॉग फोर का स्क्वायर फोर स्क्वायर, ये पावर टू कहाँ जाएगी? ऊपर चल जाएगी टू। लॉग सिक्सटीन माइनस लॉग थ्री क्या हो गया बेटा? लॉग सिक्सटीन बाई थ्री लॉग ए माइनस लॉग बी। बोलो लॉग थ्री का स्क्वायर कितना हो गया? तो लॉग नाइन बाई टू। फिर वापस लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग सिक्सटीन बाई थ्री डिवाइड बाई तो कितना हो गया? लॉग थर्टी टू बाई ट्वेंटी सेवन। ये फाइनल आंसर, लॉग थर्टी टू बाई ट्वेंटी सेवन ये हमारा फाइनल आंसर। आया समझ में? बोलिए सबको समझ में आ गया? यस सर। यस सर। चलिए लिख लीजिए। तुम्हारी वहां की क्लास का क्या ऑफलाइन ऑनलाइन? ऑफलाइन ही है, डीसीसी वाली। तो तुम गए थे? मुझे तो लगा कैंसिल हो गया होगा। तीन बजे गए थे? अच्छा तीन बजे। लिख लिया भाई सबने? चलिए नेक्स्ट। जीरो टू पाई बाय फोर साइन क्यूब टू टी कोस टू टी डी टी, साइन क्यूब टू टी कोस टू टी डी टी। तो किसको हमें टी तो लिखा हुआ आ रहा है, तो टी के अलावा कुछ भी मान लो, यू मान लो, किसको हमें मानना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा? साइन टू टी, साइन टू टी को, क्योंकि साइन टू टी का डिफरेंशिएशन आ रहा है कॉस टू टी। तो लेट साइन टू टी इक्वल टू यू, साइन का डेरिवेटिव कॉस टू टी और टू टी का टू, डी टी इक्वल टू डी यू। ये आ गया कॉस टू टी डी टी इक्वल टू डी यू बाई टू, कोस टू टी इक्वल टू डी टी बाई डी यू बाई टू। लिमिट चेंज होगी बेटा, लिमिट कैसे चेंज होगी? व्हेन टी इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू जीरो तो साइन जीरो क्या होता है? जीरो ही होता बेटा, साइन जीरो इज इक्वल टू जीरो। भाई टी की वैल्यू जीरो है तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो, वैल्यू याद रखनी पड़ेगी बेटा, ये ध्यान रखना।
when t equal to pi by 4, so 2 into pi by 4 kitna ho gaya, pi by 2, so pi by 2 u equal to pi by sin pi by 2 kya hota hai 1, to hamara dekho ye aa gaya 1 by 2 limit 0 to 1 lower limit 0 upper limit 1, aur ye kitna ho gaya t u cube du, आ गया u cube du. अब वापस से u को sin 2t लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने लिमिट चेंज कर दी. यहाँ पर ये फायदा होता है, इनडेफिनेट होता है तो हमें वापस रखना पड़ता है, यहाँ रखने की जरूरत नहीं. u cube का इंडिकेशन लिमिट कहां से कहां तक, 1 रखो 1 बाय 4, 0 पे तो 0 आएगा, व्हाट इज द आंसर, ऐसे करेंगे तो इसका आंसर आ गया 1/8. आया समझ, दो चीजें साइन 0 0 आया, साइन पाई बाय 2 बनाया, ये चीज याद रखनी पड़ेगी. Next. Zero to pi by 2 sine square x dx. Zero to pi by 2 sine square x dx. याद करो हमने साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिखा था, क्या फॉर्मूला, 1 माइनस कॉस 2 एक्स बाय 2. यस, 1 माइनस कॉस 2 एक्स बाय 2, 1 माइनस कॉस 2 एक्स बाय 2 डीएक्स, ये हमने साइन 2 एक्स को लिखा था, 1 माइनस कॉस 2 एक्स बाय 2. ये हमने लिखा था 1 बाय 2 बार 1 का इंडिकेशन, cos 2x का अपॉन 2 लिमिट 0 टू. अब ध्यान से देखना भाई, मैंने x की जगह पाई बाय 2 रखा था, यहाँ पाई बाय 2, कुछ चीजें नहीं लिखनी पड़ती. कैसे, जैसे मैंने यहाँ पाई बाय 2 रखा तो 2 इंटू पाई बाय 2 साइन पाई की वैल्यू 0, जितने भी पाई के मल्टीपल होते हैं साइन में वो सब क्या होते हैं, जीरो. तो ये जीरो मत लिखो, माइनस लोअर लिमिट साइन जीरो जीरो, ये दोनों याद रखो. साइन एन पाई मतलब पाई का कोई सा भी मल्टीपल हो, साइन एन पाई इज इक्वल टू जीरो, और कोस टू एन प्लस वन इंटू पाई बाय टू, कोस का ऑड मल्टीपल जीरो. तो देखो पाई बाय टू साइन पाई जीरो, क्योंकि पाई का मल्टीपल है जीरो, और साइन जीरो जीरो. सो व्हाट इज द आंसर, इसका आंसर पाई बाय फोर. कोई दिक्कत,
जीरो टू पाई बाय फोर साइन थ्री एक्स साइन टू एक्स डीएक्स, जीरो टू पाई बाय फोर साइन थ्री एक्स साइन टू एक्स डीएक्स, टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड। Now 2 sin a sin b, इसका फॉर्मूला होता है, मैं यहां लिख देता हूं, 2 sin a sin b इक्वल टू cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, 2 sin a sin b इक्वल टू cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, ये आ गया हमारा cos a माइनस b, a माइनस b कितना हो गया x, और माइनस cos a प्लस b 5x, तो ये आ गया cos x माइनस cos 5x dx, a माइनस b माइनस cos a प्लस b, cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, cos x का इंटीग्रेशन sin x, cos x का इंटीग्रेशन और cos 5x का 0 टू 5 अब 4 है 5 ऑफ 4, अब लिमिट लगाओ, देखो साइन